हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट और गाय के लिए दो चपातियाँ मैंने ऑलरेडी बना के रख ली पहले। और ये मेरे हस्बैंड की प्लेट सज गई है, इसमें मैंने सब्जी डाली है और ये है चपाती। और ये रेडी हो गए, ये लो हैंकी। और ये जा रहे हैं अब स्कूल, इनके मज़े आराम से स्कूल में जाएंगे। ये लो मिर्च ले लेना, चपाती और सब्जी तो मैंने दे दी आपको स्कूल के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी जा रही हूँ मैं सुन्नी और आज मिलाऊंगी आपको अपने स्पेशल पर्सन से, तो मिलते हैं कुछ मिनटों में। ये मेरे प्यारे नानी जी, ये मेरे मासी जी, ये है मेरे नेफ्यू नोखराम भारद्वाज जी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रही हूँ सतलुज रिवर, और ये आप इसको फ्रंट से देख सकते हो, ये काफ़ी डाउन है। और इसमें 2000 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, जिसके कारण ये लकड़ी का पुल टूट गया था। आफ्टर देन ये हमारा न्यू पुल बना है, और ये पक्का पुल है। ये देखो आप, ये पक्का पुल बना है और इसमें छोटी गाड़ियाँ जाती हैं, बसेज वगैरह नहीं जा सकती हैं, इतना लोड लेता नहीं है। और इसमें जैसे जीप, स्मॉल गाड़ियाँ, गाड़ी। और इसका उद्घाटन प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था। और फ्रेंड्स, अब छांट रही हूँ मैं सरसों का साग, जो कि मैं आज दिन में ही मार्केट से लेके आ गई थी। और ये इसमें थोड़ा धनिया है, सोया है, और इसका साग बहुत अच्छा बनता है चावल डालकर। और हम दो के लिए तो काफ़ी है, कितनी कुछ। ये देखिए, आप भी देखो। और ये सीज़न का सर्दियों का साग है, ये सर्दियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में खाते भी हैं इसको। और मक्की की रोटी के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। अब मैंने इसको दोबारा से टब में डालना है, टब वाले पानी में, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, कोई डस्ट ना रहे इसमें। ये ऐसे मैंने इसको 2 times में, और ये 3rd time में किया है। अब इसमें पहले मैंने इस टब में पानी लिया था, फिर इसमें लिया था, फिर यहाँ से ये 3rd time में, ये 3rd round है इसका। और इसको नीट एंड क्लीन हो गया बिल्कुल। और इसके बाद मैं इसको डालूँगी यहाँ पे इसको निचोड़ने के लिए, इससे ये पानी निकल जाएगा छाननी से। और जब ये इसका पानी सारा निकलेगा, तब मैं इसको काटूँगी। अब बना रही हूँ मैं अदरक वाली चाय इनके लिए। ये है डेट यानी कि खजूर, और खजूर हमारे ब्लड को इनक्रीज़ करता है, और इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं बॉयल करके, और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। फ्रेंड्स, अब काट रही हूँ मैं साग, और ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसको कुक करूँगी मैं अभी, और खाएंगे हम इसको कल मॉर्निंग में। अभी इसमें मैं चावल डालूँगी, हल्दी डालूँगी, अदरक डालूँगी, बाकी सब मसाले। फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं डिनर, साथ साथ में साग भी पकेगा और डिनर भी रेडी होगा। और आज बनाऊँगी मैं डिनर में राजमा। साग में चावल डाल दिए, और 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, और नमक डालेंगे, और ये अदरक छोटा छोटा सा काट, बारीक काट के डाल दिया। और ये है हींग। कहाँ जा रहे हो आप, बाइक में कि बुलेट में? वाओ, आप तो यू आर लुकिंग सो हैंडसम, हीरो है हमारे, हीरो हीरो मास्टर। सुरभि, चालान कट जाएगा आपका, चलो लाइसेंस दिखाओ, अपना अपना लाइसेंस दिखाओ। अब ठीक है, चलो हेलो करो, हेलो कर दो, हेलो। इतना गुस्सा क्यों सुरभि, ये गुस्सा क्यों आया आपको? मेरा तमाशा बना रखते हो तुम, मेरा जोकर, मेरे को जोकर बना लगते हो, मेरे को जोकर बनाते हो।
तो फ्रेंड्स मैं अब अपने ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ, और जो सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए वो था मेरे नानी जी, और नानी जी से मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक और शेयर कर रहे हो। थैंक यू, सी यू अगेन।